नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की प्रमुख खबरें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 13 सितंबर को मुंबई में आयोजित निवेशक समिट में शामिल नहीं हुए, जहां उन्हें राज्य के निवेश नीतियों की जानकारी देनी थी। इस पर राजद ने तीखी आलोचना की है, जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार की निवेश संभावनाओं को उजागर किया। ब्रुसेल्स में आयोजित डायमंड लीग 2024 की जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा को दूसरा स्थान मिला है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.86 मीटर रहा, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 मीटर के थ्रो के साथ चैंपियन का खिताब जीता है। चोपड़ा का पहला थ्रो 86.82 मीटर और दूसरा थ्रो 84 मीटर से कम था, लेकिन तीसरे थ्रो पर 87.86 मीटर की दूरी तय करके वे केवल 1 सेंटीमीटर से चैंपियन बनने से चूक गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने वाराणसी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि दोनों का चरित्र समान है। उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी राजनीति करने वालों की आलोचना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा देंगे और नवंबर में चुनाव की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि वे चुनाव के बाद ही सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे और चुनाव में आपको जीत दिलाने की अपील की है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इस्तीफा देने की बात की और कहा कि कुर्सी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक बरी नहीं होते। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के शराबबंदी कानून पर बयान पर बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने जवाब देते हुए कहा है कि पुलिस कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करती है। उन्होंने आरजेडी पर समाज को शराबबंदी के बारे में जागरूक नहीं करने का आरोप लगाया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दरिंदगी और मर्डर की जांच में सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। उन पर एफआईआर में देरी करने और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। जूनियर डॉक्टर इस मामले में प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर चुके हैं। सीबीआई ने घोष की हिरासत की मांग की, जो मामले में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव ने मधुबनी में यात्रा के दौरान कहा कि वे कार्यकर्ताओं का आभार जताने निकले हैं। प्रशांत किशोर के 9वीं फेल बयान को नजरअंदाज करते हुए तेजस्वी ने एनडीए पर पलायन और बेरोजगारी का आरोप लगाया। उन्होंने भविष्य में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। अदानी समूह ने महाराष्ट्र को 25 वर्षों के लिए 6600 मेगावाट नवीकरणीय और ताप बिजली की आपूर्ति का टेंडर 4.08 रुपये प्रति यूनिट की बोली पर जीत लिया है, जो मौजूदा दर से 1 रुपये प्रति यूनिट कम है। अदानी सौर बिजली 2.70 रुपये प्रति यूनिट की दर पर प्रदान करेगा, जबकि कोयला आधारित बिजली की कीमतें कोयला की लागत पर निर्भर करेगी। ये टेंडर JSW एनर्जी और टोरेंट पावर को पीछे छोड़कर प्राप्त किया गया है। बिहार में 1980 से पहले के जमीन दस्तावेज कैथी लिपि में है, जिसे पढ़ने में जमीन अमीनों और कानूनगो को परेशानी हो रही है। राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए उन्हें कैथी लिपि की ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। बेतिया में 17-19 सितंबर को प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले विधान जमशेदपुर में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 46,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत नए घर दिए। झारखंड में 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीशियन और 50 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की भी घोषणा की है। पीएम मोदी ने झारखंड की समृद्धि की उम्मीद जताते हुए राज्य की विकास यात्रा की सराहना की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि विराट कोहली उनकी कप्तानी में खेले थे। तेजस्वी ने कहा कि उनके क्रिकेट करियर के बारे में कम ही बात होती है और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के सदस्य रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया को अपनी फेवरेट टीम मानने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि भारत के खिलाफ खेलना चुनौतीपूर्ण होता है। हेड ने कहा है कि वे भारतीय टीम को पर्याप्त खेलते हैं और अच्छी फॉर्म में रहने का लाभ उठाते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024 25 नवंबर से जनवरी तक 5 टेस्ट मैचों के साथ खेली जाएगी, जिसमें पहले टेस्ट पर्थ में होगा।
गिरिराज सिंह कई बार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में नजर आते हैं। एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एकादशी जुलूस और गणपति विसर्जन के दौरान पथराव को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया है और कहा है कि बांग्लादेश में जैसे हालात बन रहे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड पर भी तीखा हमला किया और हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। टीवी एक्टर हर्षद चोपड़ा और उनकी को स्टार प्रणाली राठौर की शादी की अफवाहें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन प्रणाली ने इन खबरों को नकारा है और कहा है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हर्षद लंबे समय से सोशल मीडिया से गायब थे और हाल ही में उन्होंने 30 हफ्तों बाद इंस्टाग्राम पर वापसी की, जहां उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। हालांकि उनके द्वारा लिखा गया क्रिप्टिक नोट उनके व्यक्तिगत जीवन में चल रही है समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वाराणसी दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचार और अय्याशी का प्रतीक बताया है। सिन्हा ने आरोप लगाया है कि दोनों नेता सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और हर क्षेत्र में असफल रहे हैं। उन्होंने जाति जनगणना पर भी टिप्पणी की, ये कहते हुए कि समाज को बांटने वाले लोग गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते। भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए तैयार है। पहला टेस्ट 19 सितंबर से और दूसरा 27 सितंबर से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने चेन्नई में कैंप शुरू कर दिया और नए गेंदबाजी कोच मोर्गन मोरकल की टीम से जुड़ गए हैं। मोरकल ने कहा है कि वो खिलाड़ियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और उनके साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ रहा है, जिससे बक्सर, सिमरी, चिकी और ब्रह्मपुर प्रभावित हुए हैं। 5 जिलों जिनमें अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने 14 जिलों में भारी बारिश का येलो और 8 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई से दोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E1303 तकनीकी समस्याओं के कारण लेट हो गई और बाद में रद्द कर दी गई। यात्रियों ने विमान में 5 घंटे तक इंतजार करने और बाद में इमिग्रेशन के कारण विमान से उतरने में कठिनाई की शिकायत की। इंडिगो ने यात्रियों की असुविधा के लिए माफी मांगी है और कहा है कि फ्लाइट को 1-2 बार टेक ऑफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तकनीकी समस्याएं आई, फिर यात्रियों के लिए नई फ्लाइट की बुकिंग और होटल की व्यवस्था की गई है। बिहार के गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला लगेगा। इस साल प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए 17 सुपर जोन, 43 जोन और 324 सेक्टर बनाए हैं। टेंट सिटी में 2500 पिंडदानियों के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। त्योहारों के मौसम में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। एक सप्ताह में रिफाइंड तेल की कीमतें 40 रुपये प्रति किलो बढ़ गई हैं, जिससे थोक कीमत 2050 रुपये प्रति दिन तक पहुंच गई है। कपास की फसल के नुकसान की अटकलों और आयातित तेल पर 20% ड्यूटी ने कीमतों को बढ़ाया है और मिठाई और पकवानों की लागत भी बढ़ गई है, जबकि सरसों तेल और बादाम की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी जांच शाखा DGGI ने 2.01 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के 6,084 मामलों का पता लगाया, जो पिछले साल के 1.01 लाख करोड़ रुपए से दोगुना है। प्रमुख क्षेत्रों में ऑनलाइन गेमिंग, BFSI सेवाएं और धातु कारोबार शामिल है। 40% मामले कर का भुगतान ना करने से संबंधित है, जबकि 20% फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े हैं। मुंबई, दिल्ली और पुणे में सबसे अधिक जीएसटी चोरी की गई है। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 1 नवंबर से राशन की आपूर्ति बंद हो जाएगी। यदि EKYC पूरी नहीं की जाती है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड पर दर्ज नामों की अद्यतनीकरण के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य है। 31 अक्टूबर तक EKYC नहीं करने पर कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे और लाभ नहीं मिलेगा। ये कदम मृत व्यक्तियों और अवांछित नामों को हटाने के लिए उठाया गया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार की शराबबंदी योजना को उनके ही गठबंधन सहयोगी जीतन राम मांझी समेत कई लोग चुनौती दे रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि यदि उनकी पार्टी जनसुराज सत्ता में आती है तो वे 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार के हित में नहीं है और इसके खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। शराबबंदी 2016 से लागू है, जिसे नीतीश कुमार ने महिलाओं के समर्थन में लागू किया था। इंडोनेशिया ने भारत सहित 20 देशों के पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश नीति लागू करने का निर्णय लिया है। ये नीति अक्टूबर 2024 तक प्रभावी हो सकती है।
इस पहल का उद्देश्य पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। कोरोना काल में पर्यटकों की औसत खर्च राशि में वृद्धि देखी गई है और वीजा मुक्त प्रवेश से ये और बढ़ने की उम्मीद है। अन्य वीजा मुक्त देशों में ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और यूरोपीय देश शामिल हैं। SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के तहत डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के 15 से 11 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की। आवेदन 4 अक्टूबर तक SBI की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आवेदन शुल्क सामान्य EBC OBC के लिए ₹750 है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर सड़क खामियों के वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सख्त कार्रवाई की है। NHAI ने ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जिम्मेदार इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है। सड़क की मरम्मत और सुधार का काम जारी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की दरभंगा फ्लाइट SD495 बोर्डिंग से 5 मिनट पहले रद्द हो गई, जिससे यात्रियों में हंगामा मच गया। जदयू सांसद संजय झा ने नागरिक उड्डयन मंत्री से एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आगरा में भारी बारिश के कारण ताजमहल में पानी भर गया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ASI पर ताजमहल की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया और वक्फ बोर्ड को लेकर भी आलोचना की है। ASI ने बताया है कि पानी भरने की वजह बारिश है और गुंबद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। UIDAI ने आधार कार्ड में बदलाव के लिए दस्तावेज अपलोड की निःशुल्क समय सीमा 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। 14 दिसंबर के बाद अपडेट के लिए ₹50 शुल्क देने होंगे। मुफ्त अपडेट के लिए माई आधार पोर्टल पर जाएं और दस्तावेज अपलोड करें। तमिल सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने पॉलिटिकल करियर पर फोकस करने के लिए फिल्मी करियर छोड़ने की तैयारी कर ली है। उनकी आखिरी फिल्म विजय 69 अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर में विजय की हिट फिल्मों के सीन शामिल है। विजय ने 2023 में तमिलंगा वेत्री कसगम पार्टी लॉन्च की है और 2026 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट में लिखकर जवाब दिया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, नवनीत कुमार, रामबाबू दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, सपना कुमारी, मोहम्मद अरमान, मौसम कुमारी, मुकुंद कुमार, नौसाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। रात का सवाल है, देश में कौन सा पर्यटन स्थल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।